अच्छा क्वेश्चन नंबर 26, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, ठीक है, विच शेल फिल फर्स्ट एंड व्हाई, सबसे पहले कौन सा जो है वो शेल भरा जाएगा और व्हाई, शायद मैं इसका आंसर दे चुका हूं पहले। एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज अ मिनिमम एनर्जी, जो भी जिसकी भी एनर्जी, अब याद रखिए हमेशा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल ही होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा, ये केमिस्ट्री का रूल है, जब भी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इस वो अनस्टेबल, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज मिनिमम एनर्जी, एन एटम विल फर्स्ट फिल द लोएस्ट एनर्जी लेवल टू अटेन द स्टेट ऑफ द मिनिमम एनर्जी, सबसे पहले वो लोएस्ट एनर्जी लेवल ही भरेगा ताकि उसकी जो एनर्जी हो वो मिनिमम रहे। ग्रेजुअली द इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द हाई एनर्जी लेवल, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाई एनर्जी लेवल की हम तरफ हम जाएंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट फिल द केशियल, सबसे पहले केशियल भरा जाएगा, देन एल देम एंड देन एन एंड सो ऑन, सही ना। कहानी सारी किसकी है, एनर्जी की है, हम चाहते हैं कि हमारे जो एनर्जी हो सबसे कम हो और आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, ठीक है ना। जैसे कि हम बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हम अगर एक साथ स्पीड दे देंगे तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे और एक्सीडेंट हमारा हो सकता है, लेकिन हम ग्रेजुअली अगर स्पीड बढ़ाएं तो भले हम 100 पे चलाएंगे, अगर हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे तो हमारे कंट्रोल जो हमारे कमांड है हमारी गाड़ी में रहेगी, और अगर हम हाईवे पे 100 पे भी चले आएंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, वॉट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था इस क्लास में या पिछली क्लास में। तो आइसोटोप क्या होता है, एज वी नो दैट एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि एलिमेंट्स के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारे पास उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर द सेम, ठीक है, क्योंकि उनका जो है मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होता है ऑन फ्यू एलिमेंट्स का। अच्छा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर डिफरेंट इन सम एलिमेंट, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स में ज्यादातर क्या होता है जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तकरीबन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं सेम एलिमेंट्स के, मतलब ये बात, ठीक है, हमारे पास एलिमेंट तो सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन के हमारे दो ऐसे एलिमेंट तो सेम है कार्बन, हमारे पास दो स्पीशीज ऐसी आ रही होंगी जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक मास सेम होंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की ज्यादा डिफरेंट होगी, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज हो नहीं सकता, अगर प्रोटॉन चेंज हो गया तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो उसकी जो प्लेसमेंट है प्लेट है वही चेंज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो सकता लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो चेंज हो सकता है, और जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया वैसे ही जो है हमारे पास जो है वो उसका आइसोटोप बन गया। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, हमारे पास एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ये डेफिनेशन आ गया इसके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इनका जो है क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ये मैंने बात बताई थी आपको। These elements have the same chemical properties due to the same electronic configuration, but different physical properties due to the difference in the mass number. अब ये जो react करेंगे chemically, वो तो बिल्कुल अगर carbon की बात करूँ तो carbon की तरह ही react करेंगे, ठीक है, लेकिन इनकी physical properties different रहेगी क्योंकि इनका atomic mass अब different हो चुका है, लेकिन atomic number still the same. अगर हम hydrogen की बात करें, जो हमने इससे पहले भी hydrogen को discuss किया था, कि there are 3 isotopes of the hydrogen. कौन कौन से, भाई प्रोटियम, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हैं, ड्यूट्रियम हैवी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहते हैं इसे हम, जैसे D2O हैवी वाटर कहलाता है, ठीक है, और ट्रिटियम रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन, ये रेडियोएक्टिव होता है, ये डिके कर जाता है, ठीक है। प्रोटियम हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन इज नोन एज द प्रोटियम और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और प्रोटियम कहलाता है और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहलाता है।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एच और एच वन वन, ठीक है। एच वन मीन्स कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक है, एटॉमिक नंबर भी एक है, एटॉमिक मास भी एक है। इट्स एटॉमिक नंबर इज वन, एटॉमिक मास ये बताया मैंने आपको। इट हैज नॉन न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम हमारे पास क्या हैवी हाइड्रोजन है। द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन इज नोन एज द ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एच वन एंड टू, ठीक है, या डी वन और डी टू। वैसे नॉर्मली इसको डी से रिप्रेजेंट करता है ताकि हैवी इलेक्ट्रॉन नजर आ जाइए, ठीक है। तो टू से अंदाजा है इसका एटॉमिक मास टू है, एटॉमिक नंबर वन है, तो एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया एक दूसरे से, सही है। नीचे वाली बात है कि इट इज एटॉमिक, इट्स एटॉमिक नंबर इज वन, एटॉमिक मास इज टू। इट इट हैज वन न्यूट्रॉन, इसके पास वन न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, न्यूट्रॉन नहीं था। फॉर एवरी 7000 एटम्स ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन ओनली वन एटम ऑफ द ड्यूटेरियम एग्जिस्ट। 7000 एटम्स के बाद नॉर्मल हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के बाद ये एक एटम निकलता है ड्यूटेरियम का। अच्छा भाई ड्यूटेरियम क्या होगा, अगेन द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन है ये, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका नंबर ऑफ, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2+1 3। इसको मतलब इसका एटॉमिक मास 3 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 ही रहा। अच्छा, और ये रेडियो एक्टिव भी है, रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन भी से हम कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, 1H3 या 1T3। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज 3। इट हैज टू न्यूट्रॉन्स के पास फॉर एवरी 10^8 एटम्स ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन ओनली वन एटम ऑफ ड्यूटेरियम एग्जिस्ट। ये इसकी जो है वो पिक्टोरियल डायग्राम है, जब पेपर में सवाल है तो आपने ये भी बनानी है, ठीक है। प्रोटीन हाँ बस आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन, और जो येलो येलो हुआ है ये सम अप करके हम नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, सॉरी एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल डायग्राम भी आपने बनानी होगी पेपर में अगर ये सवाल आता है। अब यूरेनियम पे आ जाए, ये मोस्ट कॉमन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है हमारे पास। क्यों मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये एटॉमिक पावर में, एटॉमिक बम बनाने में और एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हम देख लेते हैं, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, बस 3 आइसोटोप्स, देयर आर 3, हां 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के, ठीक है। सिंबल हमारे पास क्या आ गया, यूरेनियम 92 और 234 इसका एटॉमिक मास आ गया, 235 आ गया, 238 आ गया। एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 92 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है और नीचे लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है। अब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके पास कितने हैं, एटॉमिक नंबर इसका 92, इट मींस इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगेन 92। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसके एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम माइनस करें तो जो भी आंसर आएगा वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। पेपर में अक्सर ये आ जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 234 एटॉमिक मास था, 234 में से अगर हम जो है 142 माइनस करेंगे तो, सॉरी 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 142, 235 में से अगर 92 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 143, एंड 238 में से अगर 92 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 146। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई आइसोटोप्स मांगे तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये शो होता है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, और ये इसकी हाफ लाइफ है 246 ईयर्स, 704 मिलियन ईयर्स, एंड हमारे पास जो एक और जो है वो है 444 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना। और यूरेनियम इज फाउंड इन 99% नेचर में 99% ये पाया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से कार्बन की बात करते हैं, मैंने कार्बन का अक्सर जिक्र किया, कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में आप किस तरीके से पढ़ेंगे, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब 6 है, ठीक है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर हम पता चल रहा है, लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है 6 है, तो इट मींस एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6 होंगे। फर्क कहां आ रहा होगा, सिर्फ एटॉमिक मास और एटॉमिक और न्यूट्रॉन की तरफ, ठीक है। एटॉमिक मास 12, 13, 14 है, ये भी लिख दिया हमने। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 12 minus 6, 12, 13 minus 6 और 14 minus 6, तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 6, 7 एंड 8। अब हमारे पास
देयर आर टू स्टेबल आइसोटोप एंड वन रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ द कार्बन. दो स्टेबल है कार्बन, अगेन 12 और 13 ही होगा अगेन. एंड कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट, 98.989% आइसोटोप हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है कार्बन 12 का. ठीक है, तो कार्बन 12 का अगर हम देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या होंगे, शेल्स में होंगे. तो 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस में होंगे, यहाँ पर 6 और 7 होंगे, 7 न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पर हमारे पास 8 न्यूट्रॉन होंगे. ठीक है, बाकी चीजें हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की बात करें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि आइसोटोप क्लोरीन क्या है. देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ द क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर ऑफ 17. एटॉमिक नंबर 17 है इसका, लेकिन मास नंबर 35 एंड 37 ये भी मैंने जिक्र किया था इसका भी. एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 इज 75% एंड क्लोरीन 37 इज 25% अबंडेंट. और हम क्या करते हैं, जब हम इसको एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो 35 को 3 दफा लेते हैं, 37 को 1 दफा लेते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 35.5, जो हमारे पास इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में या केमिस्ट्री में. अच्छा, क्लोरीन 1735 हो गया हमारे पास और एक हो गया क्लोरीन 1737. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही रहेंगे दोनों में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक के पास 18 होगा, एक के पास 20 होगा, और दोनों को समाप्त करके हमारे पास एटॉमिक मास होगा 37 और 35 होगा. ठीक है, और नीचे हमारे पास ये शो हो रहा है. नंबर 32 है हमारे पास, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के हवाले से कंप्लीट सवाल आ सकता है कि आइसोटोप्स क्या है और राइट द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास आइसोटोप्स की. तो देख लेते हैं क्या है एप्लीकेशन आइसोटोप्स क्या हमारे पास. आइसोटोप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्चेस एज वेल एज इन द ट्रीटमेंट्स एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज लाइक कैंसर. अच्छा जी, किस तरीके से ट्रेसर, ये बात मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, तो कार्बन अगर मैं कहीं पर फाइंड आउट करना है तो कार्बन 13 जो होगा हमारे पास वो 1:100 के हिसाब से होता है. ठीक है, तो हम उसके ट्रेसर अगर हमें कार्बन 13 में मिल जाएंगे तो हमारे पास आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व है या नहीं. तो जब भी हमें एनालिसिस करनी होती है बहुत ही कम लेवल पे, बहुत लो कंसेंट्रेशन लेवल पे, तो हम ट्रेसर्स के की, यानी कि जो हमारे आइसोटोप्स हैं हमारे मेन कंपाउंड के, उसके हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि क्या यहाँ पर वो चीज है या नहीं. ये ज्यादातर कैंसर वगैरह में या डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होता है. अच्छा, दे आर अप्लाइड टू हेल्प इन, क्या करते हैं, हेल्प आउट होते हैं सिलेक्टिंग सीड्स फॉर बेटर क्वालिटी. सीड्स जो यानी कि जो हमारे पास गंदुम होती है, इस तरह की होती है, उसके बेटर क्वालिटी हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रिडिक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन, अब किस तरीके से हो सकता है, मेडिसिन हम ले लेते हैं. ठीक है, अब मेडिसिन एब्जॉर्ब क्या हो रही है, हमें लेट सपोज हमें करवानी थी इंटेस्टाइन में, हमें एब्जॉर्ब करवानी थी, क्योंकि हो गई लिवर में जाके, तो अगर हम लिवर में देखेंगे कि उसके ट्रेसर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे कार्बन 13 के या क्लोरीन के या किसी भी चीज के, तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर उसके ट्रेसर्स मिले नहीं मिले, हमें इसलिए आइडेंटिफाई हो जाएगा. डिटेक्टिंग द इनर फॉल्ट एंड प्रोबेबल एज ऑफ द मशीन, अब मशीन अपना एक किस तरीके से हम एज मालूम कर सकते हैं. हर एलिमेंट की एक हाफ लाइफ होती है, तो आइसोटोप्स की भी हाफ लाइफ होती है, तो वहां से हम देख लेंगे कि भाई अपनी इसकी लाइफ जो है कितनी खत्म हो चुकी है हमारे कार्बन 13 की आइसोटोप की, वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास मशीन है कितनी पुरानी है. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज, अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि किस तरीके से हम डायग्नोसिस कर लेते हैं या ट्रीटमेंट कर लेते हैं डिजीजेस की. अच्छा, ये हमारे पास को रेडिएटिव आइसोटोप्स हैं. फास्फोरस 32 ये हमारे पास रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है, सारी फोर रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होती है, 4 की 4 ही पॉइंट है हमारे पास. अच्छा, ये किसके इस्तेमाल होता है, स्नोशन 90 या फास्फोरस 32 ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर में इस्तेमाल होता है. कोबाल्ट 60 कहाँ पर इस्तेमाल होता है, रेडियोथेरेपी में अगेन, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर. अब ये कैंसर के इस्तेमाल की होती है, पैसिव पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है. ये जो है हमारे पास इसकी जो गामा रेज होती है, जब ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड हमारे पास डिक्ले होना शुरू होता है, उसकी जो गामा रेज होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है. आईडी आइसोटोप्स ये भी रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है. बेस्ट
डेटेस्टेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स इन द नेक, थायराइड ग्लैंड्स बन जाते हैं नेक के अंदर, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ये। टेक्नीटियम, टेक्नीशियम, रेडियोथेरेपी टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ इन फ्रैक्चर हीलिंग, तो पास फ्रैक्चर रहती है उसमें हम जो है वो किस तरीके से देख सकते हैं कि हीलिंग हो रही है नहीं, हमारी बॉडी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है। अच्छा, गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60, ये हमारे पास मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, टू स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेसिंग्स फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया लग सकता है, उसमें जो है ना ग्रोथ हो सकती है किसी भी हार्मफुल चीज की, तो उसको हम इसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, उसकी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। अमेरिशियम 241, ये गैस सेफ्टी मेजर्स एंड इंडस्ट्रीज यूज्ड इन बैक स्कैटर गेजेस, स्मोक डिटेक्टर्स, फिल हाइट डिटेक्टर्स एंड मेजरिंग ऐश कंटेंट ऑफ कोल, ये इन चीजों में इस्तेमाल होता है। गोल 198 एंड टेक्नीशियम 99, सेवेज एंड लिक्विड वेस्ट मूवमेंट फॉर वाटर पोल्यूशन, ट्रेसिंग फैक्ट्री वेस्ट कॉजिंग ओशन पोल्यूशन, ट्रेसिंग सैंड मूवमेंट इन रिवर्स एंड ओशंस, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में या एनवायरमेंटल लेवल पे जो इसका इस्तेमाल होता है इसको देखा जाता है। अच्छा, यूरेनियम 235, पावर जनरेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिकली पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। प्लूटोनियम 238, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, यूज इन स्टिमुलेट रेगुलर हार्ट बीट इन हार्ट पेस मेकर, हार्ट बीट रेगुलर करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14, आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी, यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसाइल, फॉसाइल की एज मालूम करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देख लेते हैं। द आइसोटोप हाइड्रोजन ट्रिटियम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसकी बात इस तरीके से कि सवाल आपको समझना पड़ेगा। हमारे में न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमारे पास वाहिक जो है हाइड्रोजन आइसोटोप जो कि ट्रिटियम है, वाहिद हमारे पास ऐसा आइसोटोप है जिसमें प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा न्यूट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन तो हमेशा एक ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो वन है, प्रोटॉन तो हमेशा एक रहेगा, लेकिन ट्रिटियम जो आइसोटोप हाइड्रोजन का उसमें वाहिद ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डबल आपके पास न्यूट्रॉन है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ये उसमें सवाल घुमा के पूछा था और ये आ सकता है पेपर में। व्हाई डू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम केमिकल बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, उसकी प्रॉपर्टी इसीलिए केमिकल हमेशा सेम रहेंगी, फिजिकल क्यों सेम नहीं रहेंगी क्योंकि उसकी फिजिकली जो एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा एक या दो न्यूट्रॉन। अच्छा देख लेते, डोनर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जनरली हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये मैंने बात बोली थी। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना भाई, क्योंकि मास नंबर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये चेंज हो रही है, इसलिए तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास चेंज हो रही है। यहाँ तक तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके पास चैप्टर नंबर 3 लेकर आऊंगा, तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।